सोनेट वगैरह और ये ब्रेजा वगैरह, तो उसके अंदर आपको लो वेरिएंट मिलेगा। लो वेरिएंट में इतने सारे फीचर आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि ब्रेजा का अगर आप वेरिएंट देखेंगे तो LXi भी 7-7.5 लाख का मिलेगा नहीं आपको, 8-9 तक चली जाती है उसकी प्राइसिंग। हेलो भाइयों, वेलकम टू माय चैनल अनुज यादव। आज इस वीडियो में बात करेंगे रेनो काइगर की। कॉम्पैक्ट SUV का आज के टाइम में इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छा चलन चला हुआ है कि सबको कॉम्पैक्ट SUV चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। इसके अंदर रेनॉल्ट काइगर के अंदर आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, 205 mm का, जो कि क्रेटा वगैरह से भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अंदर आपको बेहतरीन फीचर और काफ़ी अच्छा एक कॉम्पैक्ट फीचर वाइज भी और पावर वाइज भी आपको अच्छा एक डील मिलती है। 8-9 लाख के अंदर इसका टॉप एंड वेरिएंट मिल जाता है। तो इस वीडियो में इसकी पूरी बात करेंगे, स्पेक्स की भी और इसका पूरा वॉक अराउंड रिव्यू देंगे। तो फ्रंट से बात कर ले, फ्रंट से इसके अंदर आपको यहाँ पे DRL मिल जाते हैं, इसी के नीचे आपको साइड इंडिकेटर मिल जाते हैं और इसी के नीचे आपको यहाँ पे लाइट मिलती है। अब ये लाइट की बात करें तो ये वाइट लाइट है और ये प्रोजेक्टर नहीं है, वाइट है, ये देख सकते हैं आप, ऐसी दिखती है। इसी के नीचे आपको कोई डिफोगर वगैरह नहीं मिलते, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट दिख जाती है। इसके नीचे आपको ब्लैक स्किड प्लेट, यहाँ पे रेनॉल्ट का बड़ा सारा लोगो, यहाँ पे क्रोम का काम और कुछ फ्रंट से लुक गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। अब बात कर लेते हैं साइड की, तो साइड में आपको 16 इंचज़ के अलॉय मिल जाते हैं, कुछ ऐसे डायमंड कट अलॉय दिखते हैं इसके अंदर, C8 के अलॉय हैं। यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर आपको फेंडर पे नहीं, इसी के अंदर मिल जाता है, ब्लैकआउट है ये। और वेरिएंट की बात करें तो वेरिएंट ये RXZ वेरिएंट है और नॉन टर्बो है, टर्बो इसके अंदर आता है जो महंगा होता है। ये 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड सिंपल पेट्रोल इंजन है। अब अंदर से बात करें तो अंदर आपको कुछ ऐसा कैबिन दिखता है, ब्लैकआउट कैबिन है पूरा। यहाँ पे आपको एक लाइट दिख जाती है, येलो लाइट है ये भी। और इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो आपको यहाँ पे बड़ा सारा एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसके अंदर ये टच बटन है। की बात करें तो आपको की ऐसी दिखती है, कुछ सिंपल नई की है, बाकी गाड़ियों में आपको कमी देखने को मिलेगी। लॉक अनलॉक दो स्विच आपको यहाँ पे मिलते हैं, नीचे आपको बूट के लिए और ये इल्यूमिनेशन के लिए, अगर आप बाहर हैं तो इल्यूमिनेशन ऑन कर सकते हैं ये लाइट इसको दबा के। अब इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है। साइलेंट इंजन है, ज़्यादा नॉइस नहीं है। 1 लीटर का आपको पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 1000 cc का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है ये RXZ। टर्बो का भी ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो कुछ ऐसा आपको MID मिल जाता है इसके अंदर, आपको ऐसी कुछ डिस्प्ले होती है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर, इस साइड आपको फ्यूल का, यहाँ पे आपको दोनों इंडिकेटर के, और ये आपको डिजिटली मिलता है फुल। और यहाँ से इसके कंट्रोल एडजस्ट कर सकते हैं आप, ट्रिप वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अंदर 3 मोड मिलते हैं कुछ, एक यहाँ से आप उन मोड को एडजस्ट कर सकते हैं, ये नॉर्मल, इसके बाद स्पोर्ट्स और ये थर्ड इको मोड आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके इंफोटेनमेंट की, तो इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सभी देखने को मिलेंगे, सारे फीचर्स। बैक कैमरा भी इसके अंदर आपको मिल जाता है, बैक कैमरा का व्यू कुछ ऐसा दिखता है इसके अंदर। यहाँ पे आपको सारे AC के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, फैन स्पीड यहाँ से, और यहाँ से आप टेम्परेचर, और यहाँ से आप एयर का फ्लो, यहाँ पे आप AC को ऑन ऑफ के लिए, यहाँ से आपके डिफोगर वगैरह के लिए, और यहाँ से आप अपनी विंडो को लॉक कर सकते हैं। नीचे आ जाएं तो नीचे आपको यहाँ पे एक बार एक USB पोर्ट दिख जाएगा, यहाँ पे आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, इसके नीचे भी आपको स्टोरेज स्पेस मिलेगा, काफ़ी अच्छा डीप है। और यहाँ पे आपको एक पावर आउटलेट मिलेगी 12 वोल्ट की। एयर नोब की बात करें तो आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलता है एयर नोब। इसके अंदर आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा और रिवर्स गियर इसका ऐसे ऊपर उठा के आगे लगेगा, इस साइड लगेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ की, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा हैंड ब्रेक देखने को मिलेगा, इसी के साथ यहाँ पे भी आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिलेगी, ऐसे आप इसको ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। आर्मरेस्ट की बात करें तो ऐसा कुछ आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा, काफ़ी डीप है, यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। स्टेयरिंग व्हील काफ़ी लाइट है इसका, ज़्यादा कुछ हैवी स्टेयरिंग नहीं है। और यहाँ पे आपको सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल मिल जाएंगे, सोर्स,
ये ट्रैक चेंज करने के लिए, वॉल्यूम अप डाउन के लिए, ये वॉइस के लिए, वॉइस कमांड का भी ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने वाइपर वगैरह को एडजस्ट कर पाएंगे और यहाँ से आप अपनी लाइट वगैरह को, यहाँ पे भी एक एसी वेंट मिलेगा, यहाँ पे कुछ आपको ब्लैकआउट के साथ थोड़ी सिल्वर फिनिश दी हुई है, कुछ ऐसा दिखता है व्यू। 4 एसी वेंट मिलते हैं आपको और आपको इसके अंदर रिवर्स एसी का भी ऑप्शन आपको मिला है, रियर एसी भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की, तो आपको यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज एरिया मिलेगा, इसके नीचे भी आपको यहाँ पे स्टोरेज एरिया काफ़ी डीप, काफ़ी बड़ा ग्लो बॉक्स देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके रियर व्यू की, कुछ आपको ऐसा बैक व्यू मिरर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाएगा विदाउट लाइट, यहाँ पे भी आपको एक मिरर मिलेगा। वॉइस कमांड का यहाँ पे आपको स्पीकर दिया हुआ है जिससे आपकी वॉइस रिकॉग्नाइज होगी। साइड डोर की बात करें तो इस पे आपको सारे कंट्रोल मिल जाएंगे, यहाँ से आप अपने मिरर को फोल्ड कर सकते हैं और एडजस्ट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 4 डोर के कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलेंगे विंडो के, और यहाँ से आप विंडो को लॉक कर सकते हैं, और कुछ ऐसे आपको यहाँ पे मिलते हैं लॉक अनलॉक के लिए, ये थोड़ा अजीब लगा। स्टोरेज आपको यहाँ पे भी मिलेगी एक 1 लीटर बोतल की, और एक यहाँ पे भी मिलेगी। स्पीकर सिस्टम काफ़ी अच्छा है इसके अंदर, 4 स्पीकर और 4 ही ट्विटर आपको देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं रियर की, तो रियर में कुछ आपको ऐसी दिखती है, रियर में काफ़ी अच्छा स्पेस है, स्पेस के मामले में गाड़ी में कोई कमी नहीं है, बेहतरीन स्पेस मिलता है आपको। देखिए यहाँ पे भी आपको कोई बम्प नहीं मिलता है, आराम से 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। साइड डोर की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे भी 1 लीटर बोतल की स्पेसिंग मिल जाएगी, यहाँ पे एक ट्विटर भी मिलेगा आपको, दोनों साइड ऐसा ही है कुछ। और कैबिन की लुक देखो कैसी अच्छी, मतलब कैबिन की लुक काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। यहाँ पे भी आपको एक लाइट का ऑप्शन मिलेगा, 2 लाइट मिलेगी इसके अंदर, और ब्लैकआउट है सारा। यहाँ पे भी आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलेगा, यहाँ पे एसी के आप कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं, पॉकेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और आर्मरेस्ट की बात करें तो आपको रियर आर्मरेस्ट भी मिलेगा कुछ ऐसा। हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल है, सारे ही चारों एडजस्टेबल है, यहाँ पे पार्शियल ट्रे देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं रियर व्यू की, पीछे से गाड़ी की लुक काफ़ी मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है फ्रंट के मुकाबले, क्योंकि पीछे आपको इसके अंदर ऐसी लाइट देखने को मिल जाती है जो काफ़ी अच्छी लुक देती है, इसकी पीछे की व्यू ऐसी दिखती है। RXZ वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको वाइपर वगैरह, डिफोगर वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, हाई माउंट स्टॉप लैंप, शार्फिन एंटीना, रूफ रेल्स, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। पीछे से आपको नीचे आपको ब्लैकआउट दिया हुआ है ये बम्पर के साइड में, यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे। गाड़ी की बात करें तो ओवरऑल गाड़ी की प्राइसिंग आप जस्टिफाई अपनी करती है, इसके अंदर आपको 8,45 से 55, मतलब 8.5 लाख तक आपको ये मिल जाएगी। 1 लीटर इंजन आता है तो पावर 1 लीटर के इंजन के हिसाब से ये टर्बो वेरिएंट में काफ़ी अच्छी पावर है। और बात करें इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो अगर आपकी ड्राइविंग कम है और आपको एडवेंचरस हैं आप थोड़ा, और आपको लगता है कि आपको एक कॉम्पैक्ट SUV लेनी है इन बजट, तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है ये। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छा मिल जाता है, स्प्लिट सीट का आपको ऑप्शन मिलता है इसके अंदर, 3-4 आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, पार्सल ट्रे ऐसी कुछ दिखती है। बूट स्पेस के अंदर आपको कोई लैंप वगैरह नहीं मिलता, यहाँ पे लगेज हुक आपको देखने को मिल जाएगा दोनों साइड ही, कुछ ऐसा दिखता है व्यू। स्टेपनी की बात करें तो इसके अंदर आपको काफ़ी नीचे दी हुई है, काफ़ी डीप बूट स्पेस है इसका, यहाँ पे आपको स्टेपनी मिल जाएगी, ये आपको अलॉय में नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी आपको 15 इंचज के साथ मिलेगी, एक साइज़ छोटा है इसका, अलॉय आपको नहीं मिलेगा, स्टील रिम मिलेगा इसके अंदर भी, तो ऐसा कुछ इसका बूट है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी, हैवी डोर है देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी चॉइस है अगर आपको एक कॉम्पैक्ट SUV चाहिए इन बजट। बात करें इसके अंदर एयरबैग की, तो आपको इसके अंदर 4 एयरबैग मिलते हैं, 2 फ्रंट पे और 2 साइड पे, तो काफ़ी अच्छी सेफ्टी के मामले में काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसके ग्लोबल NCAP के रिजल्ट नहीं आए हैं, इसका टेस्ट नहीं हुआ है जो इसको रेटिंग क्या मिलेगी, काफ़ी अच्छी रेटिंग मिलेगी, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। यूनिक फीचर की बात करें तो इसके अंदर आपको मोड तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक स्विच मिलता है, इसको प्रेस करने के बाद 3 लाइट ग्लो करती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक इस डोर पे,
तो काफ़ी अच्छी इल्यूमिनेशन लगती है रात के टाइम पे। ग्लो बॉक्स के अंदर आपको कोई लाइट नहीं मिलती। और बात कर लें इसके इंजन की, तो इंजन स्पेक्स की बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल इंजन तो आपको बता ही दिया मैंने, दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। साइलेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन ज़्यादा नॉइस भी नहीं है, ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पे आपको कुछ कवरिंग भी मिल जाती है जिससे कैबिन नॉइस कम हो। मोड चेंज करने के बाद अगर गाड़ी की इंजन नॉइस चेंज होती है वो देखेंगे। अब मोड चेंज किया हुआ है, कर दिया, अब स्पोर्ट्स मोड में है इसकी इंजन नॉइस, तो सेम ही नॉइस है। अगर आप स्पोर्ट्स नॉर्मल इको करते हैं तो इंजन नॉइस सेम रहेगी, बस एक थोड़ी सी आवाज़ आएगी और उसके बाद मोड चेंज हो जाएगा। पावर का भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, मोड के अंदर वो हो जाती है, बस थोड़ा सा स्पोर्टी फील आ जाता है स्पोर्ट्स मोड में। भाई गाड़ी में कोई कमी नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है। मतलब अगर आपके पास प्राइस सेगमेंट आपका 8 से 8.5 लाख का बजट है और आप कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हैं, क्योंकि अगर आप बाकी वेरिएंट लेना स्टार्ट करेंगे जैसे सोनेट वगैरह और ये ब्रेजा वगैरह, तो उसके अंदर आपको लो वेरिएंट मिलेगा। लो वेरिएंट में इतने सारे फीचर आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि ब्रेजा का अगर आप वेरिएंट देखेंगे तो LXi भी 7 से 7.5 लाख का मिलेगा नहीं आपको, 8-9 तक चली जाती है उसकी प्राइसिंग। लेकिन ये आपको 8.5 लाख में एक सभी बेहतरीन फीचर देगा और ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आपको मिलेगा, तो एक बेटर चॉइस बन जाती है। अगर आप रेनॉल्ट की तरफ ट्राई करते हैं तो आपको ये एक अच्छी गाड़ी मिल जाएगी और इन बजट, और आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पोर्टी फील के साथ मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।